भाई बहनों, स्वागत है आपका मोटर रॉयज में। मेरा नाम है करण और ये है टोयोटा की नई टॉप नॉच टॉप स्पेक लग्जरी एमपीवी टोयोटा वेलफायर। ये भारत में आज लॉन्च हुई है 79.5 लाख एक शोरूम में और शुरुआती 3 महीने के लिए ये सोल्ड आउट है। मतलब कि हर महीने टोयोटा इसके 60 यूनिट इम्पोर्ट कर रहा है और 3 महीने के लिए 180 यूनिट सोल्ड आउट है। सामने की तरफ आप जैसे देखेंगे यहाँ पर LED फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स आपको दिखाई देंगे और ये साइड स्वाइपिंग जो इंडिकेटर्स इसमें आपको मिलेंगे। इस गाड़ी का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और सामने की तरफ आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको एक ये जो प्रीमियम टच देता है। हालांकि जो आपके ड्राइवर होंगे, अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्रोम को उन्हें बार बार साफ़ करना होगा ताकि इसकी जो रिचनेस है वो मेंटेन रह सके। अब इस गाड़ी में इंजन लगा है एक पेट्रोल का 2.5 लीटर पेट्रोल नॉर्मली एस्पिरेटेड इंजन, जो पावर बनाता है 115 PS और 198 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 16.35 किलोमीटर्स पर लीटर इस गाड़ी का ARAI रेटेड एवरेज है, जो काफ़ी ज़्यादा है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो सेटअप है वो हाइब्रिड है, तो इसमें आगे की तरफ एक मोटर है, पीछे की तरफ एक मोटर है। 150 किलोवाट का आगे की तरफ मोटर है और 50 किलोवाट का पीछे की तरफ मोटर है, तो ये दोनों मोटर्स इस गाड़ी को बनाते हैं एक ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। तो होता ऐसा है कि जब ज़रूरत पड़े तो इंजन के थ्रू बैटरी जो है वो चार्ज होती है और फिर वो मोटर्स को पावर करती है, और ये गाड़ी इंटेलिजेंटली करती है। जब स्लो स्पीड पर ये गाड़ी चल रही होती है तो मोस्टली जो है लगभग 40% समय या फिर सिटी में जब ये गाड़ी चलती है तो ये बैटरी पावर पर चलती है, और जैसे बैटरी की पावर कम होने लगे तो इंजन की पावर के थ्रू वो बैटरी दोबारा चार्ज होता है। अब यहाँ पर इस गाड़ी में और क्या क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। 2800 किलोग्राम्स इसका भार है। अब ये तो बात हो गई टेक्नोलॉजी वगैरह की, और ये गाड़ी जो भी लेगा तो ऑब्वियसली चलाने के लिए तो नहीं लेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो ये सामने की जो सीट है ये पावर्ड है, और यहाँ पर आपको एक ऑटोमैन भी मिलता है। ऑटोमैन है ये, जिसको इस तरह से ये एक्सटेंड होता है। कई सारे फीचर्स हैं, तो ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस गाड़ी के अंदर जो कुछ भी है वो आपको दिखाऊँ। ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट ड्यूल पेन सनरूफ मिलेगा, एक ये स्क्रीन भी है। सामने की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर एप्पल कापले एंड्रॉयड ऑटो कम्प्लायंट ये बड़ा सा टच स्क्रीन 10 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलता है। ये दोनों ही सीट्स आगे की हीटेड और कूल्ड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कैविटी है जहाँ पर आप रख सकते हैं, कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पर भी एक ये बड़ा सा कैविटी है जिसमें एक USB चार्जर है, एक पावर सॉकेट है। दीपक, इज दिस कूल्ड दिस बॉक्स? इट्स नॉट कूल्ड, इज देयर अ फ्रिज और समथिंग इनसाइड द कार? ठीक है, तो यहाँ पर कूलिंग फंक्शनैलिटी नहीं है। और यहाँ पर आप देखें तो एक आपको CD प्लेयर दिखाई देगा। ग्लव बॉक्स थोड़ा छोटा है, लेकिन सामने की तरफ वैसे ही ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारा प्रीमियम टचेस आपको दिखाई देंगे। वुड इंसर्ट्स हैं यहाँ पर, ये सॉफ्ट टच लेदर है, और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो सनरूफ के लिए कंट्रोल है। यहाँ पर आपको 3-जोन एयर कंडीशनिंग मिलता है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, और ये CVT कंट्रोल्ड जो गेयरबॉक्स है या फिर CVT गेयरबॉक्स है, तो उसका लेवर यहाँ पे, उसमें भी आप देखेंगे तो ये वुड है और कई सारी प्रीमियम टचेस हैं। तो ये ऑटोमैन है जो यहाँ पर इस स्विच के थ्रू ऊपर या नीचे हो सकता है, और सामने जो को पैसेंजर है और जो ड्राइवर है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आराम का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक है, वन टच ये विंडोज़ आपको दिखाई देंगे, और JBL का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में है। अब चलिए ड्राइवर साइड जाके देखते हैं। ये जो मिरर है बाय द वे ये हीटेड है, तो जब फॉगी कंडीशंस होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होती है। अब यहाँ पर भी ड्राइवर सीट जो है वो पावर्ड है। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स और जो मेमोरी सेटिंग्स हैं सीट की वो दिखाई देंगी। यहाँ पर एक कप होल्डर है, AC वेंट्स हैं, और हर चीज़ बड़ी ही सॉलिडली बिल्ट, अक्सर जैसे टोयोटा की गाड़ियाँ होती है वैसी ही है। यहाँ से आप देखें तो एक सिर्फ EV मोड के लिए स्विच है, जहाँ पर सिर्फ मोटर और बैटरी के थ्रू गाड़ी चलती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और इको मोड भी है।
यहाँ पर ये आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसमें बीच में कलर स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप देखें तो वुड इंसर्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच इसका बढ़ जाता है। लेकिन हाईलाइट यहाँ पर इस गाड़ी का ये है, ये जो डोर है ये स्लाइडिंग है और पावर्ड है, तो ये कुछ इस तरह स्लाइड होकर पावर डोर है जो बंद होता है। आपको इसको ओपन करने के लिए एक बार पुल करके तो इसको यहाँ पर ये इस तरह स्लाइड हो जाता है। और इसका हाईलाइट जो है, यहाँ पर ये सीट्स है, तो यहाँ पर आप देखें तो इंडिविजुअल लाइट्स हैं जो कैबिन को थोड़ा वार्म बनाती है। और यहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं, तो इस बटन से आप इस सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ये वन टच स्विच है जिससे सीट आगे या पीछे होती है, तो ये पीछे कुछ इस तरह से होती है। और इसका जो ये अंडर थाई सपोर्ट है ये भी कुछ इस तरह से पूरी तरह निकल कर बाहर आ जाता है। और ये फोर एंड आफ्ट एडजस्टेबल है जिसके लिए यहाँ पर एक लीवर है, तो आप इसको सामने या पीछे की तरफ खिसका सकते हैं। अब ये एक स्विच मैं दबा दूँ तो ये सीट दोबारा से अपने पोजीशन में चली जाती है। दोनों ही ये जो सीट्स हैं ये कूल्ड और हीटेड है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये डिजिटल डिस्प्ले है जो वाईफाई और HDMI के थ्रू कंट्रोल होता है। यहाँ पर दीपक है, उनसे मैं, दीपक कैन वी फ्लिप द स्क्रीन प्लीज। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन है, तो आप यहाँ पर 13.3 इंचेस का स्क्रीन है। यहाँ पर ब्लूटूथ, HDMI, वाईफाई, ओके, सो 1920x1080, सो फुल HD। आप यहाँ पर ये जो ऊपर रूफ में जो लाइट्स देख रहे हैं ब्लू, तो यहाँ पर 16 अलग कलर्स हैं जिसमें आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जो चीज़ अगर और हो सकती थी तो वो है एक मसाजिंग फंक्शन, लेकिन आप और क्या क्या ही मांगेंगे। यहाँ पर एक ट्रे टेबल है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे बाहर आता है। तो ये ट्रे टेबल कुछ इस तरह बाहर आता है। यहाँ पर आप अपना लैपटॉप या लंच बॉक्स रख के आप अपना वक्त बिता सकते हैं, या तो काम कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। यहाँ पर एक कप होल्डर है, यहाँ पर भी इन सब चीजों को, यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेसेस है, यहाँ पर और एक बॉक्स है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो महाशय है यहाँ पर, ये गाड़ी से बाहर नहीं जाना चाहते, इनको सीट में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। पीछे थर्ड रो भी है, हालांकि इस गाड़ी का जो हाईलाइट है वो ये सेकेंड रो है। तो ये रही बात सेकेंड रो की। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉस स्विचेस है, तो यहाँ पर जो इंसान बैठेगा इस सीट को आगे या पीछे सरका सकता है। और यहाँ पर ये बड़े प्रीमियम हैंडल्स है अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक दूसरा हैंडल भी है। थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसके वेंट्स यहाँ पर हैं, और एक पीछे की तरफ थर्ड रो के लिए भी है। ये LED लाइट्स हैं, और यहाँ पर एक पैनल है जहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे का सनरूफ ओपन या क्लोज कर सकते हैं, और ये जो कलर है इसको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ये कलर चेंज करता है, 16 डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब थर्ड रो में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है अगर आपको कुछ ज़्यादा लोग बिठा के ले जाने हैं। तो यहाँ पर आप इसको, ये जो सीट्स हैं ये टम्बल होती हैं, और फिर लगेज स्पेस भी बढ़ जाता है। और ये जो पीछे का डोर है ये पावर्ड है, तो ये कुछ इस तरह से जगह पर अपनी चले जाता है। पीछे से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने में ये प्रीमियम गाड़ी लगती है, और ये थोड़ी बॉक्सी है देखने में, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस। और देखने में ये गाड़ी, अगर आप, कोई इंसान आपको इसमें देखे तो यही कहेगा कि कोई अमीर शख्स ही इस गाड़ी के अंदर बैठा है। तो ये थोड़ी जनरलाइज करने वाली बात होगी, लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है ये गाड़ी, और रिच लगती है, लग्जूरियस लगती है। जैसे इसकी पोजीशनिंग है तो इसके जो लुक्स हैं वो इसका साथ निभाते हैं। तो ये है टोयोटा की नई वेलफायर। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीनों तक ये गाड़ी जो है सोल्ड आउट है। एक बार मैं आपको इस तरफ से भी दिखा दूं, तो यहाँ पर ये जो एक और स्विच है
जिससे ये जो पीछे का बैक रेस्ट है वो आगे या पीछे हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ये जो हेड रेस्ट है, तो यहाँ पर आपको ये बोलस्ट्रिंग भी मिलती है ताकि जब आप सो रहे हो तो आपकी जो गर्दन है वो काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट या राइट में ना खिसके। और यहाँ पर आप देखें तो साइड बोलस्ट्रिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कंफर्ट के मामले में ये सीट्स वाकई काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो ये थी कहानी टोयोटा वेलफायर की। आपके कुछ सवाल है कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।